मैं दीपेश मोटावत पेशे से बिजनेसमैन हूँ, पर ऐसे काम कर रहा हूँ आजकल। मेरा बचपन से मेरा एक मकसद रहा है कि मैं ऐसी कविता लिखूँ जो देश में समस्याओं को कहीं ना कहीं जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक मकसद बने। एक मेरा कवि राष्ट्र प्रेम जाग रहा है आज, तो एक कुछ कविता मैं आपको दो पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा कि नफ़रतों का झोला लेकर, जिस जो मेरा फोटो है मैं उस कविता को लेकर जाता हूँ। प्यार व्यार तो क्या है, सब आप सबके काम है, हम तो मुश्किल है हमारे लिए, ये जन्म में तो मुश्किल है, अगले जन्म हो बिटिया की जो। तो नफ़रतों का झोला लेकर चल रहे पड़ोसी है, नफ़रतों का झोला लेकर चल रहे पड़ोसी है, पर हम दे रहे मुँह तोड़ जवाब जो अमन के ही दोषी है। यही मेरा स्थान है, यही हिंदुस्तान है, हम बढ़ रहे आगे देखो खेल और पढ़ाई में, हम बढ़ रहे हैं आगे देखो खेल और पढ़ाई में, तुम तो बस जल रहे नफ़रत की कढ़ाई में। यही मेरा स्थान है, यही हिंदुस्तान है। पेशावर में जब हुआ मासूमों का कत्लेआम, कुछ वर्षों पहले पेशावर में मासूमों का कत्लेआम हुआ, हमारी हिंदुस्तान की उतनी आंखें भरी जितनी पाकिस्तान की भरी, तो उसी पंक्तियों के साथ मैं लेकर आ रहा हूँ कि पेशावर में जब हुआ मासूमों का कत्लेआम, पेशावर में जब हुआ मासूमों का कत्लेआम, एक हुई आवाज सबकी, क्या हिंदुस्तान क्या पाकिस्तान, बोलो इतने सालों में क्यों नहीं मिली सजा मुंबई के उन दोषियों को, बोलो इतने सालों में क्यों नहीं मिली सजा मुंबई के उन दोषियों को, क्या तुम्हें मिला उजाड़कर मासूमों की खुशियों को। यही मेरा स्थान है, यही हिंदुस्तान है। माटी तुम्हारी यही थी, माटी तुम्हारी यही थी, नियत तुम्हारी बदल गई, माटी तुम्हारी यही थी, नियत तुम्हारी बदल गई, पैसों के आगे अपनों का ही लहू पी गई। ललकार रहा हूँ तुमको आज, कद छोटा है मेरा तो ललकार था बड़ा बड़ा, ललकार रहा हूँ तुमको आज, लड़के नहीं मिलेगा तुमको राज, जीतना है तो संघर्ष करके जीतना, जीतना है तो संघर्ष करके जीत, नहीं तो गिरेगी परले की नई गाज, क्योंकि ना हमारा ऐसा धाम ना हमारा ऐसा काम, यही मेरा स्थान है, यही हिंदुस्तान है। इसी के साथ मैं दीपेश मोटावत अपने इस कविता को यही विराम देता हूँ और आशा रखता हूँ हम सबके जिंदगी में ऐसी खुशी और दूसरों को बांटने वाली खुशी हमेशा बरकरार रहे। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, ना ही बटोरने से। बहुत बहुत धन्यवाद।